एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों बेहद खास वजह से चर्चा में है। उन्होंने अपनी एक बीमारी के बारे में फैंस को बताया है। हॉलीवुड में कदम रखने से पहले सोनम कपूर का वजन काफी ज्यादा था, लेकिन अपने डेब्यू से पहले उन्होंने इसको कंट्रोल किया और खुद को फिट बनाया। अब सोनम कपूर ने अपनी जिस बीमारी का खुलासा किया है वो उससे 7 साल पहले जूझ रही थी, अब वो पूरी तरह से ठीक है। सोनम कपूर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। उन्होंने इन दिनों स्टोरी टाइम विद सोनम नाम से सोशल मीडिया पर एक सीरीज शुरू की है, जिसमें वो अपनी पीसीओडी की समस्या के बारे में बता रही हैं। सोनम कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो और पोस्ट की है। इस वीडियो और पोस्ट में उन्होंने पीसीओडी की समस्या के बारे में एक्सप्लेन किया है। सोनम कपूर ने कहा, मुझे ये परेशानी कई सालों से है। मैं करीब 14 से 15 साल की रही होंगी, तब से मुझे ये समस्या है। मैं कई डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, डाइटिशियन वगैरह से बात कर चुकी हूँ, अब मैं ठीक हूँ। इसलिए पीसीओडी को लेकर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें डॉक्टर्स की सलाह पर चलना चाहिए। सबके लक्षण अलग हैं, इसलिए डॉक्टर को जरूर बताएं। सोनम कपूर ने आगे कहा कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, टहलना बेहद जरूरी है। सोनम ने बताया कि वो रोजाना 10,000 कदम चलती थी। उन्होंने पीसीओडी से निपटने के लिए दूसरा उपाय योग बताया है। योग में मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आती है। एक्ट्रेस के अनुसार पीसीओडी में स्ट्रेस मैनेज करना होता है। सोनम कपूर ने आखिरी में आगे कहा कि पीसीओडी में चीनी बहुत नुकसानदायक है, चीनी को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। सोनम कपूर ने बताया कि उन्होंने शुगर को जब से छोड़ा है उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सोशल मीडिया पर सोनम कपूर का ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस के कई फैंस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।